जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। और इस सप्ताह की आप सबको देती हूँ बधाइयाँ। ईश्वर करे आपका ये सप्ताह अति उत्तम हो। आज करवा चौथ है और उसकी बधाइयाँ मैं अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को, अपने कहते हैं अपने रिश्तेदारों को, सबको दे रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आपने सबने खूब खूब श्रृंगार किया होगा, लाल कपड़े, लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी और न जाने क्या क्या सज धज के आपने रखा है व्रत। और एक बात मुझे ध्यान से आपको हमेशा कहनी होती है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपने सुबह बहुत ज़्यादा कुछ थला फला खा लिया तो आपको सारा दिन गैस होती है, तो इस बार ना सही, अगली बार आप ध्यान रखिएगा कि करवा चौथ रखते समय सब हल्का फुल्का खाना है और रात को भी चंद्र निकलने के समय आपको खूब सारा नहीं खा लेना है, नहीं तो तबीयत खराब होती है। लाइट फूड खाइएगा। करवा चौथ की एक बार फिर से बधाइयाँ देते हुए मैं बता रही हूँ आप सभी को मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। लेकिन उससे पहले मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएँ आपको विस्तृत रूप से बता दूँ। इस सप्ताह में 8 तारीख को, मतलब आज मेष में चंद्रमा है, संकष्टी चतुर्थी है, करवा चौथ है। 9 तारीख को शुक्र कन्या में रात्रि 9:25 पर प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि, मतलब शाम को बोल सकते हैं हम, 7:02 के बाद। 12 तारीख को है कालाष्टमी, मासिक कालाष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक कालाष्टमी कहा जाता है। और 13 तारीख को मंगल कन्या में प्रवेश कर जाएगा शाम 4:03 के बाद। उसी दिन बुध तुला में प्रवेश कर जाएंगे 11:52 के बाद। अब ये 11:52 रात्रि के हैं, तो बहुत सारी उलाढाल ग्रहों की, 3 ग्रह चेंज हो रहे हैं और इस वजह से आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकते हैं। चलिए मैं आपको उसी प्रकार से बताती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब शुक्र खसकने वाले हैं आपके षष्ठ में, तो थोड़ी सी विपरीत स्थिति रहेगी। आपके पत्नी, पार्टनर, स्पाउस के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ बना के रखनी है। वैसे भी जब बुध सन्मुख आएगा आपके, तब भी आपको देखेगा तो अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना है आपको। आपको काम करने का, पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का दिल करेगा तो कीजिए ये काम। वैसे चंद्रमा की मूवमेंट की वजह से आज आप बहुत खुश हैं और ये स्थिति एक आध दिन बनी रहेगी, आपको 2-3 भी बनी रह सकती, पैसे आएंगे आपको। और जो मंगल महाराज जब मूव कर जाएंगे आपके षष्ठ में, तो आपके विरोधियों का बंदोबस्त हो जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब शुक्र जो हैं वो नीच के होकर आपके माइंड पे आ रहे हैं, तो सूर्य के साथ होने से आपको थोड़ी सी बेचैनी विरोधियों से हो सकती है, अपनी तबीयत के लिए हो सकती है, अपनी पर्सनालिटी के लिए हो सकती है। तबीयत का विशेषकर ध्यान रखने के लिए आप महालक्ष्मी की आराधना करें। और जो बुध महाराज आगे खसकने वाले हैं उनकी वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो ये सोचिए कम, काम ज़्यादा कीजिए। और करने से तो कहते हैं मेहनत से भूत भी भाग जाता है। वैसे मंगल के माइंड पे प्रवेश करने के साथ ही आप थोड़ा सा पॉल्यूटेड हो जाएगा माइंड को, गलत सोचना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं अपने विचारों को लेकर। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, तो इन सब स्थिति से बचने के लिए आप कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना। बाकी शनि महाराज आप बड़ी जल्दी बदलने वाले हैं, तो आपके जो विवाह संबंधों को लेकर कोई परेशानी थी या आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो सब चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और तृतीय में बैठा राहु आपको काम करवा रहा है, अच्छे फल दे रहा है, तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मिथुन राशि, द्वितीय में राहु आने से परिवार के लोग आपसे थोड़े दूर हुए और आपको बहुत प्यार चाहिए और आपको प्यार नहीं मिल रहा, आप बेचैन हो। ये स्थिति आपकी बनेगी जब शुक्र चतुर्थ में आएंगे सूर्य के साथ, तो मन बुझेगा और मन ना बुझे इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहिए। 5 माला अगर कर सकते हैं रोज़ तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 माला तो ज़रूर कीजिए। बुध के माइंड पर आने से वाइज सोच साथ में बुझे हुए दिमाग के साथ भी चलेगी, क्योंकि एक तरफ से आपके माइंड का स्वामी अस्त जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बुध के साथ रहने की वजह से वो कुछ सही डिसीजंस भी आप ले पाएंगे। अब जो मंगल महाराज आपके चतुर्थ में आएंगे तो आपके हेल्पर्स जो हैं काम करने वाले वो भाग सकते हैं, आपको दिवाली में सफाई करने की तंगी हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे प्यार से बात करें, अपने वाहन चलाते समय सावधान रहें और श्री गणेश की, श्री महालक्ष्मी की आराधना करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए चंद्रमा के लग्न वाले आप
और लग्न में राहु आने से आप के डिसीजंस गलत हुए और आपने हेस्ट में जो काम किया उसका आपको अब असर गलत मिल रहा है और अब आप जो हैं बेचैन हैं कई चीज़ों को लेकर। आप क्या कीजिए, आप शिव जी पे काला तिल चढ़ा के पानी में काला तिल डाल के जल चढ़ाया कीजिए या एक कागज़ पर राम राम लिख के आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं जिससे आपके राहु और शनि दोनों का उपाय हो जाएगा और जो शुक्र महाराज आपके पराक्रम में खसक रहे हैं वो आपको थोड़ा सा बनाएंगे लेज़ी और साथ ही में जो मंगल भी खसक जाएंगे आपके पराक्रम में वो आपको काम करते समय थोड़ा सा गुस्सा दिलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा इलाज है कि आप हनुमान जी के शरण में जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड्स ज़्यादा पिएं और अपनी इन स्थितियों को संभालें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब लग्न से हटेगा मंगल, अब लग्न से हटेगा शुक्र, तो बेहतर स्थिति होगी, आपके गुस्से कम होंगे लेकिन आपकी वाणी में फिर भी कठोरता रहेगी क्योंकि मंगल वहाँ से हटकर आपके द्वितीय में आपके परिवार के घर आएगा तो हो सकता है परिवार वालों को भी आप पर गुस्सा चढ़े और किसी प्रकार से आपके घर में झगड़े फसाद ना हो इसका ध्यान रखना है आपको क्योंकि वहाँ पर बैठा सूर्य मंगल आपको आक्रामक स्वरूप से बात करवाएगा और बुध खसकने से आपको काफ़ी व्यवसाय करने में यात्रा करने में सुविधा तो होगी लेकिन गुरु के साथ बुध का संक्रमण आपको माइंड पे दे सकता है टेंशन। आप किसी गुरु के शरण में जाइए, सारी स्थितियाँ कंट्रोल में आएंगी। द्वादश का राहु प्रेम संबंधों को ख़राब कर रहा है, उनसे बचने के लिए भी आपको वाणी पर ही कंट्रोल रखना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य और बुध जिसमें से बुध अब आगे खसक रहा है द्वितीय में, वाणी में हो जाएगा, व्यवसाय सोचेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा अभी नहीं मिलने वाला, गिर गिर के पैसा आएगा, तीन तीन चार चार महीने में एक साथ नहीं आएगा और जब मतलब आना शुरू होगा तो रोज़ ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं श्री कृष्ण की आराधना अपनी सारी मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए या शिव जी की आराधना, और लग्न में आएगा शुक्र आपके तो आपको थोड़ा सा रोमांटिसिज्म जागेगा लेकिन गलत तरीके से, तो आपको ये देखना है कि आप किसी गलत चॉइस की तरफ तो नहीं जा रहे। लग्न में मंगल भी आएगा तो तबीयत को भी संभालना पड़ेगा थोड़ा, और शनि आपको फिर भी फायदा दे रहे हैं, आपका पराक्रम हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी आपको माइंड से सही सोचने के कारण कई सारे लाभ आपके हो जाते हैं जो पेंडिंग होते हैं। तुला राशि, तुला के लिए लग्न में बैठा गुरु अब आ जाएगा बुध तो काफ़ी सेवियर हो जाएगी बात आपके लिए, काफ़ी दिनों से आप जब से गुरु एक दो महीने से चेंज हुआ आप परेशान थे, अब बुध के आने से आप प्रेम संबंधों में जो आपके बिगाड़ आया था उससे भी थोड़े से आश्वस्त हो जाएंगे जो अभी रिसेंटली आप हुए भी हैं, और आपके परिवार में जो शनि ने खलबली मचाई हुई है पैसों के स्थान पर आपको पैसा नहीं आने दे रहे वो अब 26 अक्टूबर को शनि चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए तो मैं वीडियो डालूंगी आप सबके लिए, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लीजिए कि शनि जब तक ना बदलें तब तक आपको हनुमान जी की आराधना करती रहनी है, वो छोड़नी नहीं है, शिव जी की आराधना करते रहना है, और जो शुक्र और मंगल खसक के आपके द्वादश में आएंगे तो आपको फिर से वही स्थिति के जो प्रेम संबंध सुधरे हैं आपके तो उनके चेंज होने के बाद फिर से वो बिगड़े ना, इसका ध्यान रखने के लिए विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो इसका भी ध्यान रखने के लिए आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। दशम का राहु आपको मीडिया से रिलेटेड काम कराता है, टेलीविज़न से रिलेटेड काम कराता है, और अगर किसी प्रकार का मोटापा आपको लग रहा है तो खाने पीने पे कंट्रोल कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए शनि लग्न में बैठकर काफ़ी दिनों से आपको बहुत उदास किए हुए है, आपको अपने परिवार से है काफ़ी लगाव और आपको परिवार से काफ़ी नाराज़गियाँ भी हैं, तो ये नाराज़गियाँ आपकी अभी और एक 8-10 महीना चलने वाली हैं, उसके बाद दूर होती जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको जो आपकी स्थिति बनी हुई है उसके लिए हनुमान जी के शरण में या श्री गणेश की आराधना साथ में किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, गंग गणपति नमः के जाप करने चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। आपके दशम में बैठा मंगल आपको आक्रामक स्वरूप से काम करा रहा था, वो चेंज होगा, शुक्र भी चेंज होगा और आपके लाभ में आएगा, थोड़ा सा पैसा रुकेगा, घबराइएगा नहीं, स्थिति एक आध महीने की बात है फिर चेंज हो जाएगी। अभी फ़िलहाल जो भाग्य में राहु बैठा है वो आपको काम कराता है मीडिया से रिलेटेड। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न के स्वामी गुरु जो हैं वो आपके लाभ में तो बैठे हैं लेकिन ऐसे ग्रह के घर में बैठे हैं जो आपके मित्र नहीं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं, ये स्थिति बदल जाएगी शनि के लग्न में आते ही।
आपका मन भी उजागर होगा, आप काम भी जोर से करेंगे, पैसा भी आएगा। क्योंकि आपके धनस्थान का स्वामी और आपके पराक्रम का स्वामी शनि द्वादश में बैठा, तो आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है और इस एनर्जी को बल दे रहा है। वेस्ट एनर्जी को राहु जो अष्टम में बैठा है ये काम और जोरों से कर रहा है। आपको एक काम करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में राम राम लिख के लाल पेन से हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। और साथ ही में अगर आप कुछ लोगों नीडी लोगों की हेल्प करें, शनिवार के दिन तेल दान कर दें तो भी फ़र्क पड़ेगा आपको। मंगल शुक्र के दशम में आने से कुछ अगर काम आपकी बातें चल रही हैं और अगर किसी ने नेगेटिव जवाब दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं, महीने डेढ़ महीने में ये सारी स्थितियाँ बदल जाएंगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि अब आपके द्वादश आएगा, लेकिन 12वें होते हुए आपको कुछ खास फायदा नहीं देगा, धन पैसा देगा जो अभी भी छिटपुट दे रहा था बट बाद में ज़्यादा दे सकता है, लेकिन आपका खर्च भी अंधाधुंध होगा। हो सकता है आप विदेश यात्रा के विषय में सोचें, बुधादित्य योग बना हुआ था आपका इतने दिन से, भाग्य में आपको अच्छी अच्छी ऑफर्स आ रही थी, अब बुध खसक के आपके दशम में आएंगे तब भी आपको सूझेगा कि अब आगे काम कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन मंगल के भाग्य में आने से भाग्य में रुकावटें थोड़ी रहेंगी और आपको काफ़ी मेहनत के बाद भी कम रिजल्ट्स मिलेंगे महीने डेढ़ महीने तक। अपने पति पत्नी पार्टनर स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए सन्मुख बैठा मंगल और शुक्र अभी खसक रहा है और अष्टम में आ रहा है, तो बहुत ही एहतियात के साथ आपको अपनी तबीयत ठीक रखनी है। आपके लिए मूल मंत्र है कुंभ राशि वालों के लिए कि कुछ सब कुछ छोड़ के और सबसे पहले अपनी तबीयत ठीक करिए। वैसे भी काल सर्प योग बना हुआ है कुंडली में, शिव जी की आराधना और श्री कृष्ण की आराधना बनती है। लीफी वेजिटेबल्स खाइए, मूंग साबुत खाइए और अपनी तबीयत ठीक करने के लिए आप पहन सकते हैं पन्ना भी। अगर आपने अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाई है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। षष्ठ में बैठा राहु आपको फायदा देता है, विदेश से पैसा देता है, वो पैसा अभी आपको संभाल लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इसी पैसे से थोड़े काम होंगे। हालांकि राहु जो हमेशा पैसा देता है, जैसे आता है वैसे चला जाता है, तो राहु के दिए हुए पैसे को संभाल कर रखिए। मीन राशि, मीन राशि के लग्न का स्वामी गुरु अब अष्टम में, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपकी तबीयत नासाज, आपके पत्नी पार्टनर स्पाउस के साथ रिलेशन ख़राब और अब जो बुधादित्य योग भी वहाँ बना हुआ था वो भी हट रहा है, बुध भी अष्टम में आ जाएंगे और मंगल शुक्र खसक के आपके सन्मुख आ जाएंगे, तो स्थिति आपके पार्टनर की थोड़ी सी तबीयत खराब ना हो, आपकी तबीयत खराब ना हो, तो कॉन्सेंट्रेट करना है दोनों की तबीयत पर। बच्चों से जो अनबन है आपकी वो आपको कुछ नीडी लोगों की हेल्प करके शनिवार के दिन और शिव जी को या जल में थोड़ा सा काला तिल चढ़ा के दूर करनी चाहिए। वैसे भी बात करने से और अगर शांति से सलाह वगैरह करने से दूर होती है बच्चों से अनबन, तो दूर कीजिए उसको गर्म दिमाग से, या कोई डिसीजन गलत लेकर भूल मत कर बैठिएगा। थोड़े दिनों में शनि आपके दशम में आएगा और स्थितियाँ बदलेंगी और आपको विदेश रिलेटेड यात्राओं से फ़ायदा होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। इसी तरह मिलती रहूँगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए। हमारे फेसबुक पर फ्रेंड बनिए आप सब। और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है वृद्धों की सेवा कीजिए, इस पर मैं वीडियो भी डालूंगी, जिनको आपकी ज़रूरत है, जिन लोगों के अब हाथ पैर नहीं चलते उन लोगों को आपको सहारा देना चाहिए। उनके आशीर्वाद लेने से राहु केतु और शनि की अपने आप शांति हो जाती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कोई उपाय करने की। और इसी ज़रिए मैं संदेश भी फैलाती हूँ कि समाज में भी एक स्वस्थ समाज की रचना होती है अगर समाज के वृद्धों की रक्षा होती है, क्योंकि उनके अनुभवों से कई काम होते हैं। पौधे लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, पेड़ लगाइए, क्योंकि बहुत सारा पर्यावरण खराब हो चुका है हमारे भारत में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पौधे लगाना, पेड़ लगाना और पर्यावरण की रक्षा करना, पॉल्यूशन कम करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।